हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा। अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्गुमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है। इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है, चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना। हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे, ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30-35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस इतनी सी जरूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। इस बार सब कुछ दांव पर है।